तो आज अपन तीसरी लेयर चालू करेंगे। तो अपनी 4B पेंसिल लो, इस तरीके से देखो, ये तो नॉर्मली डार्क रहता है, इसे डार्क करते जाएंगे अपन लेयर बाय लेयर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक डार्क रहेगा नॉर्मल 4B, 4B को फिर आगे आते हैं तो लाइट होगा। जहां तक ये उठा हुआ है कहां तक पहले मुझे देख लो, हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं मैं। यहाँ तक जो नॉर्मल, तो इधर तक नॉर्मल 4B लाओगे, अभी थोड़ा आगे तक 4B को शेड करते हुए बहुत ध्यान से स्मूथली लाना है। अब लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो इसके आगे जो आएगा पेंसिल पीछे पकड़ो और थोड़ा इसे ब्लेंड करने के आगे डार्क लाइट जो अपन ने सीखी ना शेडिंग, इसे थोड़ा लाइटली यूज करो ताकि ब्लेंड करने में आसानी रहे। थोड़ा आगे की तरफ आएगा, सेंटर में जहाँ पे जंक्शन है ना, ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे शेड करो ताकि डार्क लाइट आराम से दिखे। ओके, इस तरीके से अब ये अपना ये वाला साइड आता है, तो अपन यहाँ पे शेड करेंगे। ये देख सकते हो रेफरेंस में पूरा इतना डार्क है, तो अपन वैसे ही डार्क करके रखना है पूरा। तो ये भी सेम तरीके से करना है, तो साथ साथ करते जाइए। तो इस साइड भी अपन ने सेम तरीके से किया, यहाँ तक नॉर्मल जो 4B करते रहे वो लेते हुए आया, फिर आगे की तरफ थोड़ा लाइट किया ताकि ये डार्क टू लाइट अपन भी ग्रेडिएंट मिल जाए। ओके, तो अब आईज में देखो, आईज में ये वाला पोर्शन तो पूरा डार्क ही रहेगा, लेकिन अब इससे थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाएंगे। तो देखो पहले तो ये वाला जो पोर्शन है अपन नॉर्मली जैसे शेड कर रहे वैसे करो आगे टिप तक, नीचे नीचे भी शेड किया अपन ने। ठीक है, ये पीछे पीछे तक। अब ऊपर ऊपर देखो कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे रेफरेंस में देखो, यहाँ पे ऐसे शेड करोगे बहुत आराम से। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाओगे, शेड करते करते नीचे से ऊपर ले गए और लाइट होता गया ना, नीचे डार्क उठा और ऊपर जाते जाते लाइट हो गया। ठीक है, नीचे डार्क उठा और ऊपर जाते जाते ये लाइट हो गया और ये ऊपर चलाता गया। सिर्फ यहाँ वाले हिस्से में थोड़ा छोड़ना है अपन, यहाँ पे डेप्थ देते जाओ। ठीक है, ये जो अपन ने कर्व बनाया था इसी कर्व के
ठीक है, तो इतना आईज और नोज वाला रीजन हो जाता है, तो इतना कर लो। उसके बाद अपन नीचे वाला कर। अब अपन को क्या करना है, ये हिस्सा देखो एक बार ध्यान से देखना, ये अपन को डार्क टू लाइट आते हुए दिख रहा है, तो वही सेम चीज अपन को करनी है। अपन पेंसिल ऐसे पकड़ो, ओके, पेंसिल इस तरीके से पकड़ी, हाथ के नीचे कुछ रख लो पेपर, ये डार्क है, अपन को पता है यहाँ तक आते आते लाइट हो जाना चाहिए, तो कैसे आएगा, ऐसे कर्व करते करते लाओ, एक बार में नहीं चलाना जितना हो पाए, ये डार्क आना चालू हुआ, ये थोड़ा लाइट हुआ, ये और लाइट हुआ, ये और लाइट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा स्मूथ कर दिए कर्व्स। सेम चीज यहाँ करूंगा मैं, ये डार्क है, डार्क है, ये लाइट हुआ, ये और लाइट हुआ, ये धीरे धीरे लाइट होना चालू हुआ और ये लाइट हो गया, यहाँ खत्म हो गया। अब एकदम से नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, यहाँ पे अपन को हल्का सा थोड़ा और आगे ले जाना है, फोन भी लाइटली यूज करते करते हल्का सा आगे ले जाएंगे और ऐसे धीरे 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 आगे की। ताकि ये ब्लेंडिंग में अपन को आसानी रहे। सेम चीज अब अपन इस साइड आते हैं नीचे, डार्क, अब ऐसे मत करना कि यहाँ डार्क अलग है, यहाँ डार्क अलग है, यहाँ डार्क अलग है, ठीक है, एक बार में जितना डार्क कर रहे हो वो हर जगह सेम होना चाहिए। डार्क है यहाँ पर, लाइट हुआ थोड़ा, और लाइट हुआ, और लाइट, इस तरीके से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डार्क दिख रहा है, डार्क लाइट जा रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज वही होगी, ये डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, लाइट लाइट रखना इसे थोड़ा, ये लाइट होना चालू हुआ यहाँ पे, ये और लाइट होना चालू हुआ, और इस तरीके से ये यहाँ एकदम स्मूथली आके मिल गया। देखो तुम लोग की गलती क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन दिखते हैं शेडिंग के समय, मेरे में नहीं दिख रहा है डायरेक्शन, एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ चिन पे थोड़ा उठते हुए आएगी, यहाँ से डार्क, फिर लाइट, थोड़ा और लाइट, और ये यहाँ पे हल्का हल्का शेडिंग होगी, बहुत लाइट नहीं, देखो लिप्स के नीचे बहुत लाइट नहीं करना, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, डार्क टू लाइट, थोड़ा और लाइट, और ये यहाँ, तो ये जो चीज है अपन करिए, नेक और बैकग्राउंड भी साथ साथ ही कर लो इसका, इसको अपन नॉर्मली 4B से शेड कर लो। देखो साथ साथ करते जाओगे तो एंड लेयर में बहुत डार्क मिलेगा जो अपन को चाहिए, देख सकते हो कितना डार्क है, ओके। अपन इस तरह एक बार ध्यान रखना, हाथ के नीचे पेपर रख लेना, कुछ नेक है, नेक को भी अपन शेड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो डिफरेंस अपने लेफ्ट और राइट साइड में, थोड़ा डार्क दिख रहा है और थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, इतना करो। और साथ साथ में अभी ये राइट साइड भी कर रहा हूँ तो इस पे भी ध्यान दो, और अगर समझ में आ गया लेफ्ट साइड तो राइट साइड साथ साथ करते जाओ। जब डार्क टू लाइट गया मेरा धीरे धीरे ज्वाइन हुआ, एक बात ध्यान रखना, जो डार्क लाइट यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो वही सेम डार्क लाइट यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट अलग दिख रहे हैं, देख सकते हो मैंने कर दिया, राइट साइड भी सेम तरीके से। तो इतना पहले शेड कर लो, उसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे। सो
चलो अब अपन इसे ब्लेंड करना है, तो जो अब पुरानी कॉटन यूज मत करना, एक नई कॉटन लो, साफ कॉटन लो, उससे करेंगे अपन ब्लेंड। तो वही फिर अपन ने कॉटन को ऐसे उसकी टिप बनाई एक बेस से, और यहाँ से सर्कुलर चलाना चालू करा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे सेंटर तक, बहुत आराम आराम से। ओके, मेन चीज क्या है अपनी, अपन ने जो डार्क लाइट के बीच में जो लाइन सी दिखनी वो दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो उस लाइन के पास खासकर ऐसे हॉरिजॉन्टली चलाओ ताकि वो डार्क टू लाइट आराम से अपने। देखो हो गया ब्लेंड, ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे लाइन, यहाँ नहीं दिख रही है। तो वही सेम चीज अपन को राइट साइड भी करनी है। ये ब्लेंड करो अपन आराम आराम से, देखो कर रहे हो तो पूरे एकदम फोकस के साथ करना है, एकदम से रुक मत जाना वरना मजे आ जाएंगे। कंटिन्यूएशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से सर्कुलर चलाते चलाते अंदर की तरफ लाते जाओ, और एकदम बीच में मत उठाना, इसे बाहर की तरफ ले जाओ। ओके, कॉटन को मैं टेप की साइड से बाहर की तरफ ले गया। अब ब्रश लो, ठीक है? अब ब्रश से स्मूथ करना चालू करो, कॉटन से हो गया, अब ये जो लाइन वाला एरिया है ब्रश से स्मूथ करना चालू करो। अपना फोरहेड देखो, अब अपन को आईज पे भी करना है, तो आईज के ऊपर वाले हिस्से पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर चलाओ, प्रीटी बेसिकली जैसे अपन ने बाकी की दो लेयर्स ब्लेंड करी है, वैसे ब्लेंड करना है अपन को, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? थोड़ा नीचे के हिस्से में थोड़ा कम ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ ताकि बॉर्डर भी ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे भी वही करेंगे अपन, ठीक है? अब ब्रश से नोज ब्रश से ब्लेंड करते जाओ, ठीक है? अंदर की तरफ थोड़ा, बाहर वाली तो अपन कॉटन से करते हैं, थोड़ा अंदर अंदर जा रहा है ना ग्रेफाइट, ये अंदर की तरफ चुका ही है, इसमें बॉर्डर आराम आराम से ब्रश से करना है, क्योंकि आखिरी लेयर है उसमें, ठीक है? 4B की आज से ज्यादा डेप्थ नहीं आएगी मतलब, एक इमेज देख के समझ में आप खुद आना चाहिए कि अपन को 4B तक करना है या 6B तक करना है, नोज पे आईज पे कहाँ तक आएगा। ओके, ये आराम से स्मूथली स्मूथली करते जाओ। जैसे ये हो जाए तो अब कॉटन लिया अपन ने, बाहर का हिस्सा अपन ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते कॉटन से ब्लेंड कर देंगे। Thank you.
ये करने के बाद एक बार ध्यान रखा करो कि आउटलाइन जो है उसे दोबारा ड्रॉ कर लो। ये जो अपनी चिन है, चिन के सराउंडिंग में से सर्कुलर चलाओ। इस तरीके से तो ये अपनी लेफ्ट साइड देख सकते हो ब्लेंडेड अच्छी कंपनी के साथ, राइट साइड अपनी सिर्फ शेडेड बिना ब्लेंडिंग के साथ। इसे भी अपन ब्लेंड करेंगे आराम आराम से बॉर्डर्स पे। एक बार कॉटन से होने के बाद मैं पूरे पे ब्रश चलाता हूँ ताकि जो बचा कुचा है वो स्मूथली और अच्छे से हो जाए। ठीक है, हल्का हल्का ब्रश ही जो अपन ने हाईलाइट छोड़े ना इन पे भी चला लो अंदर अंदर ताकि एकदम खाली ना छूटे, क्योंकि तुम देख सकते हो रेफरेंस में एकदम खाली नहीं छूटी है, इन पे भी ग्रेफाइट है। अपन बस वो स्पॉट्स की वजह से नहीं कर रहे, आराम आराम से कर सकते हो इनके थोड़े बॉर्डर बॉर्डर चलाओ। अपन को बस अब थोड़ी जो बैकग्राउंड है जैसे डार्क है ना ऊपर ऊपर 4B के बाद ऊपर भी 6B आएगी, यहाँ पे थोड़ी 8B आएगी, फिर 10B भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, बाल आ रहे हैं हल्के से बैकग्राउंड है, स्किन के लिए वही बचा है बस। ठीक है, फिर अपन एक 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 एलिमेंट पकड़ेंगे चेहरे का, उसे कंप्लीट करना चालू करेंगे। ओके, तो पहले इतना कर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन अगली क्लास एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे, पहले जो हल्का सा 6B और बचा है जो बॉर्डर्स वगैरह वो करेंगे, फिर एक एक एलिमेंट पकड़ना चालू करेंगे उसे कंप्लीट करके, फिर अपना स्केच हो ही जाएगा। बेसिक स्किन की 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करना है फोरहेड। ठीक है, तो फोरहेड के लिए क्या करना है, अपन स्टार्ट करेंगे 6B पेंसिल से। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 6B लाना है, वापस थोड़ा आगे तक हल्का हल्का लाइट करते हुए लाना है, जैसे 4B के साथ किया था तो वही चीज़ अपन 6B के साथ करेंगे। ये हिस्सा तो डार्क रहेगा ही, आराम आराम से ये हिस्सा डार्क रहा। अब इसके बाद हल्का सा शेडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना। ठीक है, हाथ के नीचे एक पेपर रखना और उससे उसके साथ करना धीरे धीरे। तो देखो ये 6B में करते हुए आ रहा हूँ, स्मूथली करना है अपन को। ठीक है, 6B नॉर्मली जो अपन 6B करते हैं वो हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल 6B हो गई यहाँ तक। अब इसके आगे जो आ रही है वो अपन को जो हल्की हल्की ब्लेंड करने के लिए ज़रूरी होती है ना वो है, तो यहाँ से हल्का हल्का आगे की तरफ फेड होता रहेगा, थोड़ा और आगे लाइट हुआ, थोड़ा और लाइट हुआ आगे आते आते, इस तरीके से धीरे धीरे लाइट होते होते आगे आता जाएगा और ये बीच हो गया फेड। ठीक है, तो देख सकते हो डार्क कहाँ था, मेनली यहाँ तक, तो यहाँ से थोड़ा और थोड़ा पीछे की तरफ शेड करो और हल्का हल्का थोड़ा ग्रेडियंट आना चाहिए, वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए। लो, ये अपना डार्क टू लाइट वाला जो अपन को चाहिए है इफेक्ट वो आ गया। अब सेम चीज़ अपने राइट में है, तो राइट में तो और एकदम स्मूथ सा दिख रहा है, उसमें पता ही नहीं चल रहा कब एकदम डार्क से लाइट आ गया बहुत ज़्यादा। तो ये भी अपन ऐसे डार्क शेड करते जाएंगे नॉर्मली। ये बालों वाला एरिया है असल में, ये जो बालों वाला एरिया है वो तो अपन ऐसे डार्क शेड किया ही, जो बालों की एक हेयर स्टैंड आ रही है वो एंड में बनाएंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अभी से बना दी फिर बाकी की ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, इस तरीके से ये किया। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को
6B को नॉर्मल शेड करना है, इतना डार्क नहीं करना, नॉर्मल शेड करो। नॉर्मल शेड करते हुए गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ही करा अपन ने नॉर्मल शेड। अब यहाँ से लाइट होना चालू हुआ, थोड़ा और लाइट हुआ, थोड़ा और लाइट हुआ, और लाइट होता गया आगे जाते जाते, और ये फेड हो गया एकदम से, ठीक है। अब इसको अपन ऐसा नहीं कि अब अपन पूरे चेहरे में 6B कर रहे हैं, अपन चेहरे कर रहे हैं तो पूरा फोरहेड करके उठेंगे, फिर आईज करेंगे, फिर नोज करेंगे। तो अब इसको लो कॉटन, ठीक है, और ऐसे सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दो, लेफ्ट टू राइट आएगा क्योंकि अपन को उसे स्मूथली ब्लेंड करना है, बीच में रुकना नहीं, ऐसे ब्लेंड करते करते बीच में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आए, सर्कुलर चलाते चलाते ये सेंटर पे, फिर ये राइट हैंड साइड आए, ये राइट से अपन सेंटर की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे, और ये अपना, तो ये देख सकती है जो डार्क टू लाइट अपन को रेफरेंस में है वैसा है अपने पास। अब इसको बाकी का जो है ब्रश से करो, ओके, इसे ब्रश से करते करते यहाँ लाए, यहाँ से इसे ब्रश से करते करते स्मूथ करते करते यहाँ लाए, ठीक है। तो इतना करो अब, तो अब अपन को लेफ्ट साइड करना है 8B पेंसिल से, ये 8B पेंसिल है, हाथ के नीचे एक पेपर रखना वरना हाथ गंदा होगा, पूरा स्केच भी गंदा होगा। तो ये वाला पार्ट जैसे है इसको और डार्क करना चालू करो, तो आप देख सकते हो ये कितना डार्क हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कैमरे में रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत डार्क हो रहा है अभी। ये अपन का नॉर्मली इतना डार्क हुआ यहाँ पे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि एकदम से लाइन बन जाए, इसको धीरे से हल्का हल्का यहीं पे शेड करो ताकि वो ऐसा लगे कि शेडेड है। यहाँ पे 6B यहाँ तक था तो 8B अपना यहाँ तक हो गया, आईब्रो जो कर्व मार रहे हैं ना उससे पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए 8B, यहाँ 8B शेड कर रहे बस ये ख़त्म, ठीक है, इतने में ख़त्म 8B। यहाँ आगे धीरे धीरे उसे शेड करते हुए लाओ ताकि एकदम से ग्रेडियंट जो चाहिए ना डार्क टू लाइट वाला, बस इस तरीके से अपना 8B का काम हो जाता है लेफ्ट साइड। सेम चीज़ अपन को राइट साइड करनी, राइट साइड बस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट साइड देख सकते हो ये एरिया ये थोड़ा ज़्यादा है, इस तरीके से अपन ने उसे शेड करा धीरे धीरे करते गए। देखो फेस का शेप मत बिगाड़ना, ये कर्व में रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, जो बाल जा रहे हैं ऐसे हेयर स्ट्रैंड उसको अभी छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो उसे, ठीक है। फिर ये जो है अब यहाँ पे इसे शेड करना स्टार्ट करो, यहाँ पे धीरे धीरे शेड करा और बस यहीं पे ख़त्म। अब धीरे धीरे जो आगे आ रहा है उसे लाइट करते गए अपन, और ये 8B का भी अपना काम ख़त्म हो गया। ये जो लाइन दिख रही है ये असल में अपन को यहाँ से एक हेयर का जो स्ट्रैंड आ रहा है ये वो है, तो अपन को उस पर ध्यान देना है जब अपन हेयर लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। अब इसे अपन को जैसे अपन ने 6B वाली लेयर ब्लेंड करी थी वैसे ही ये करना है, तो इसे धीरे धीरे ब्लेंड करते करते लेफ्ट टू राइट लाए, सेंटर की तरफ नहीं लाना है, इसे सेंटर से पहले ही उठा देना है, सेंटर पे यहाँ पे नहीं लाना है, इसे सिर्फ यहाँ करके उठा देना है, इसे सर्कुलर करो अच्छे तरीके से और बस यहाँ करके उठा दो। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ऐसे सर्कुलर चलाते गए अपन, राइट टू लेफ्ट आए और सेंटर आने से पहले ही अपन ख़त्म, ठीक है। फिर इसको ऐसे ब्रश से आराम आराम से ब्लेंड करते जाओ, सेंटर की तरफ लाए, सेंटर से आने से पहले ख़त्म, इसे ब्रश से ब्लेंड करते जाओ, सेंटर आने से पहले ख़त्म। तो ये अपना जो फोरहेड है ये अपना नियरली कंप्लीट हो जाता है, ओके। अपन को ये बीच वाले बनाने अब, तो इसमें ये जो स्ट्रिप है ये बनानी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, तो अपन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाने। तो ये टिप निकालो ऐसे मैकेनिकल पेंसिल की आगे और पेंसिल पीछे पकड़ो, तो मान लो यहाँ से एक इसकी यहाँ से यहाँ तक और थोड़े ऊपर ऐसे है, तो सेंटर वाले मानता हूँ मैं, तो हल्का हल्का ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो वहाँ पे। ये बनाया मैंने, ठीक है, तुम्हें कैमरे में दाग जैसे लगेंगे तो वही तो बनाने अपन को, थोड़े ऐसे इधर शेड करा, एकदम गुच्छे में नहीं बना दे कि भर के बना दिए सर्कल्स में, नहीं,
रैंडम स्पॉट्स पे बनाओ, कोशिश करो इसको कॉपी करने की, मैंने ये बनाया फिर उसके ऊपर ये बनाया फिर उसके ऊपर ये बनाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक ये बनाया फिर एक ये बनाया फिर ये तीन का जो पेयर है ये बनाया, फिर आसपास उसके ये है, तो इतने एरिया, ये जो इतना विथ है, यहाँ से राइट यहाँ से लेफ्ट जाना है, फिर हल्का हल्का थोड़े यहाँ बनेंगे, तो इस तरीके से बनाने हैं। तो पेशेंटली मुझे देखते जाओ, ठीक है, इस तरीके से थोड़े से मैं बना के बता रहा हूँ कैसे करना है। बहुत लाइटली बनाना है क्योंकि डार्क इन्हें बाद में कर सकते हो लेकिन लाइट नहीं कर पाओगे। ऐसे तो मैं एक दूसरे के ऊपर रैंडमली बना सकते हो, ऐसे तीन की लाइन में बना सकते हो, तीन की लाइन में आ गए फिर एक गैप छोड़ के ऊपर पहुंच गया, इस तरीके से रैंडमली बनाने हैं स्पॉट्स जैसे बन रहे हैं अपने, ठीक है। एक ध्यान रखना, पूरा नीचे से ऊपर तक मत भर देना, मेनली जो डेंसिटी है तुम देख सकते हो ये तो हल्के हल्के बन रहे हैं, इनके ऊपर थोड़े से डार्क और होंगे अभी सेकेंड लेयर में, ठीक है। तो अभी तो बस हल्के हल्के उनकी एक पोजीशन सी मार्क करनी है अपन को अपने मैकेनिकल पेंसिल से कि यहाँ पे हैं ये, फिर जो और डार्क हैं उसको अपन थोड़ी अपनी 2B या HB पेंसिल से उन्हें डार्क करेंगे हल्का सा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, तो इसमें अपन को अपना ब्लेंडिंग स्टंप लेना है, उसे थोड़ा सेंटर पे पकड़ो और जहाँ जहाँ तुमने किए हैं उसको ऐसे उसके ऊपर रख के उन्हें ब्लेंड कर दो। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लेंड नहीं करना है, हल्का सा करना है क्योंकि इसके ऊपर ब्रश चलाएंगे अपन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, सर्कल्स में नहीं चाहिए, ऐसे भरे सर्कल्स में मत बना देना, ठीक है। थोड़े कुछ रैंडम शेप सा निकालना, रेफरेंस को देखो, रेफरेंस में खूब सरी के रैंडम शेप बने पड़े हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप में है, कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, तो मेनली अपन को अभी स्टार्टिंग में लाइट लाइट बनाना है, इसके बाद अपन एक और लेयर देंगे उसमें इन्हें डार्क करेंगे। तो अभी पहले ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से इन्हें अपन ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जो लाइन थी मेनली, इनके ऊपर हल्के हल्के से ब्रश चलाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी किए थे, एंड एंड में जो किए थे उन पे सर्कुलर चलाओ, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इन पे चलाओ, तो इन्हें हल्का हल्का ब्लेंड कर दो, ऐसे कर दो कि ये बस हल्के से यहाँ पे थे, ठीक है।
ठीक है, तो इतने में अपना फर्स्ट लेयर हो जाती है इनकी, जो हल्के हल्के जो अपन को चेहरे पे दिख रहा है ये वो रहे। अब अपन को क्या करना है, HB पेंसिल लो, ठीक है, ये जो गिनती के है ना यहाँ पे, जैसे ये एक डार्क दिख रहा है मुझे, तो मुझे ये डार्क दिख रहा है, तो मैं हल्का हल्का इस पर दोबारा, बहुत डार्क नहीं शेड करूँगा मैं, उस जगह कंटिन्यूसली थोड़ा शेड करा, फिर उसके नीचे जो तीन है, उसके नीचे एक, ये दो और ये तीन, ये डार्क किया, फिर यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे थोड़े से डार्क, ठीक है, फिर ये दोनों दिख रहे हैं, देखो कुछ में थोड़े से हिस्से दिख रहे हैं, जैसे मान लो ये बड़ा है तो इसमें हल्का सा राइट साइड वाला हिस्सा थोड़ा डार्क दिख रहा, ठीक है, अपन जितना हो सके उतना पिक्चर एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दो तीन दिख रहा है मुझे डार्क, तो मैंने उसे थोड़े प्रेशर के साथ बनाया, ठीक है, यहाँ दिख रहे थोड़े ये डार्क, ये तीन जो हैं ये दिख रहे डार्क, यहाँ पे एक दिख रहा अकेला डार्क, फिर इस तरीके से लेफ्ट में आते तो ये जो तीन लाइन में है ये थोड़े डार्क से हैं, ये ऊपर की तरफ तीन हैं, ये यहाँ एक दो हैं ये डार्क से, इस तरीके से एक दो जो डार्क हैं वो अपन ने बना लिए, ओके। अब इनको भी अपन अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से, ठीक है, इस तरीके से एक दो डार्क हुए, और फिर इसको भी मैं ब्रश से और ब्लेंड कर लूँगा। मैं ब्रश ऐसे बहुत घिस नहीं रहा हूँ, मैं बस उस जगह आराम आराम से ब्रश की टिप चला रहा हूँ, ठीक है, उस जगह हल्का हल्का ब्रश ऐसे प्रेस करके चला लूँ, तो ये अपना जो फोरहेड पे अपन के जो स्पॉट्स थे अभी भले ही अजीब लग रहे हो, लेकिन जब पूरे चेहरे में बन जाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इतना करो, उसके बाद अपन को आईब्राउज देखने हैं। आईब्राउज बनाने के लिए अब अपन को मैकेनिकल पेंसिल से बनाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जितना हो सके लिटरली एक एक बाल कॉपी कर सको एक एक बाल कॉपी करो। पहले मैकेनिकल पेंसिल से बनाएंगे तो स्टार्टिंग में देखो एक बाल ये जा रहा है, कैसे देखना है अपन को, एक ये गया, फिर एक ये कर्व होते हुए गया, ये ऊपर स्ट्रेट सा गया, ये दूसरी डायरेक्शन में गया, ये लेफ्ट साइड कर्व होते गए, ठीक है, ये एक बड़ा आगे की तरफ गया, ये छोटे गए, फिर एक ये और बड़ा गया, ठीक है, ये पीछे की तरफ मिल रहे हैं, ये यहाँ पे हैं थोड़े छोटे छोटे बीच में इनके, तो इस तरीके से अपन को एक एक बाल जो है उसकी कॉपी करनी है, ठीक है, एक एक बाल की कॉपी करने की कोशिश करो। ओके, तो बनाते चलो मैं। ये आराम आराम से देख सकते हो, मेन यहाँ पे है, लेकिन ऊपर की तरफ भी बाल निकल रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ जो बाल निकल रहे हैं वो बना लो ऐसे, ठीक है, सिर्फ सारे नहीं निकल रहे, एक आध दो निकल रहे, कुछ इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में निकल रहे, फिर एक आध जो निकल रहे हैं मैं पहले वो बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये हो गए आगे के। अब इससे नीचे की तरफ आते हुए ये जो दिख रहे हैं ना चेहरे पे आते हुए, मतलब स्किन पे आते हुए, ये बनाओ, ठीक है, एक आध दो यहाँ पे आए, ऐसे कर्व होते हुए आए, ये छोटे छोटे अपन को दिख रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नीचे मत ले आना इस एरिया के, थोड़े थोड़े लाना है अपन को, अभी भले ही अजीब लग रहे हो लेकिन फिर बाद में जब बनेंगे तो सही लगते हैं, फिर इस तरीके से ले आए, ठीक है, इस तरीके से ले। अब धीरे धीरे अपन जो कन्वेंशनल तरीका होता है आईब्राउज बनाने का, इस तरीके से जो कर्व्स आते हैं अपने, वो कर्व्स बनाएंगे, तो ये okay। अपना जो नॉर्मल तरीका है बनाने का कर्व यहाँ से, वो आने लगेंगे पीछे की तरफ जाने लगेंगे ये कर्व, ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है राइट हैंडीज के लिए, इस तरीके से थोड़ा अपना जो स्केच है उसे घुमा लो, ठीक है, स्केच अपन ने घुमा लिया,
और यहाँ से पीछे की तरफ जो कर्व हैं वो आने लगेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ धीरे धीरे कर्व अपने आने लगेंगे, एक आध एक आध जो बाल छोटे छोटे ऊपर जा रहे थे उनकी तरफ उनका स्ट्रोक बनाते जाओ, ठीक है, ये पीछे की तरफ आते जाएंगे, ओके, तो ये अपने जो मेन बाल थे ऊपर वाले वो बन गए, अब जो पीछे की तरफ जाते हैं हल्के हल्के वो बनाओ, ओके, अब पीछे से आगे की तरफ भी आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपन को दिख रहा है रेफरेंस में, तो वो भी बनाएंगे अपन, ठीक है, देख सकते हो रेफरेंस में पीछे से आगे की तरफ भी आ रहे हैं बाल, तो अपना मेन एरिया तो ये है, ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसे अपन शेड कर लेंगे, जो बाल निकल रहे हैं इन्हें भी एक आध एक आध जो एक्स्ट्रा बाल निकल रहे, जैसे ये जा रहा ये गया अपोजिट डायरेक्शन में, जो पीछे की से बाल आ रहे हैं वो, तो ये बनाने के बाद अपन को क्या करना, जो अपनी मेन आईब्राउ है उसको अच्छे तरीके से शेड कर लो, ताकि जब अपन 10B वाली लेयर दें तो अपन को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ये अपनी इस तरीके से अपना राइट साइड वाला भी हो जाता है, सेम तरीके से अपन कर लो राइट वाली बनानी है, उसमें भी अपन को एक एक बाल बनाना है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे वाले बाल से, एक ये छोटा सा फिर एक बड़ा, ओके, फिर उसके साथ एक और, फिर अपन को पीछे की तरफ दो गए लेयर करनी है, इस तरीके से जो एक एक बना रहा हूं मैं, तो मैं भी उसी तरीके से बना, तो बाकी अपन बाद में करते हैं, आज के लिए इतना काफी, ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, ये बेस है, ये हल्का सा कर्व जा रहा, ये ऊपर का टॉप है, तो इस तरीके से दिमाग में रखो, ओके, और बनाते जाओ, ये जो थोड़े हल्के हल्के नीचे की तरफ आ रहे स्किन की तरफ इस तरीके से लाते जाओ, एक रियलिस्टिक लुक देते हैं अपन को बालों का, कि बालों की जो रूट्स हैं वो यहाँ से आ रही हैं, एक आध बड़ी बड़ी आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, ओके, तो मेनली जो बड़े बड़े जा रहे पीछे की तरफ वो बना लो, ओके, और फिर इस तरीके से पीछे की तरफ जाने वाले कर्व्स शेड करना स्टार्ट कर दो, स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से अपना राइट साइड वाला भी हो जाता है, इसे भी ब्लेंड कर लो,